सर्व कल्याण के लिए माना जाता है कि भगवान जाने जाते हैं, बद्रीनाथ जाने जाते हैं लोक कल्याण की जिस भावना से, और मनुष्य के तमाम सारे दुखों का अंत करने के लिए उनके प्रति अगर श्रद्धा है तो निश्चित रूप से उसके दुख भी कम होते हैं, उसके जीवन की प्रत्याशाएं बढ़ती हैं, उसके जीवन के तमाम सारे जो परेशानियां होती हैं वो कम होती हैं, संतति का विकास होता है, प्रवाहमान रहता है, रहती है संतति, और यही संतति आगे चल करके देश और राष्ट्र समाज के लिए कार्य करती रहती है। सनातनी व्यवस्था के मूल में यह है कि लोगों में नैतिक आधार जो है मजबूत होना चाहिए। नैतिक आधार और चरित्र तभी आ सकता है जब वो अपने तमाम सारे धार्मिक उपबंधों से बंधे रहें, तमाम हमारे देवी देवता पुराण जो हमारे ग्रंथ हैं उनका ज्ञान प्राप्त करते रहें, तो निश्चित रूप से जो है वो एक नैतिक और सजग व्यक्ति के रूप में निर्मित होते हैं, और कहीं ना कहीं उससे समाज भी बेहतर बनता है, राष्ट्र भी बढ़िया बनता है, और यही चेतना जागृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार प्रयास रहता है। आज यहाँ बद्रीनाथ धाम में हैं, यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, और निश्चित रूप से ये लहराता हुआ झंडा जब आंखों में दिखाई देता है तो बहुत ही सुखद होता है, ऐसा लगता है कि हमारी यह पताका हिमालय के ऊपर जो फहरा रही है वह हमें कितना सुख देती है, इससे हमारा कितना लगाव है, हमारी आध्यात्मिक चेतना का यह किस तरह से प्रतिनिधित्व करता है, ये सारे चिंतन निश्चित रूप से मन में आते हैं। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, अब थोड़ी ही देर बाद वे पूजन के लिए भी पहुंचेंगे गर्भगृह में, हम आपको उस दृश्य को भी दिखाएंगे, लेकिन अभी लगातार जो बद्रीनाथ के अगल बगल के जगह हैं किस तरह से बहुत खूबसूरत दृश्य, किस तरह से पहाड़ों के बीच में पहाड़ों की गोद में बद्रीनाथ का यह मंदिर है, निश्चित रूप से ये बहुत ही नयनाभिराम दृश्य है, और इस दृश्य को कैद करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से चल के आते हैं। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस मंदिर का वर्णन करते हुए प्रधानमंत्री मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए और पूजन के लिए धीरे धीरे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ मंदिर में, इसके परिसर का पूरा अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री। मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के रूप में जब वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, नायक के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं, और भगवान बद्री विशाल के सामने हाथ जोड़ करके प्रकट होते हैं, निश्चित रूप से मनसा राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण की होती है, उनकी मन्नत भी यही रहती है कि हमारा लोक हमारा देश एक ऐसी स्थिति में आवे जहां पर हम अब मंदिर के गर्भगृह की ओर जो है जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुन संत तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्य, ऐसा तीर्थ जो है न पहले हुआ है न आगे होगा, स्वर्ग पृथ्वी तथा नरक तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। स्वागत भगवान बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में। हस्तो प्रक्षाले त्रिडाचम्य केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः पुनः हस्तो प्रक्षालयेत। संकल्पः
ओम नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरत्नया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्नि द्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते के देशे हिमवत पर्वत के देशे केदारखंडे केदारखंडांतर्गत अभिमुक्त बदरिकारण्ये सुमेरोः दक्षिण पार्श्वे अलकनंदायाः दक्षिणे कुले नरनारायण पर्वतयोर्मध्ये पंचशिलाभ्यंतरे भैरवी चक्रे उर्वशी पीठे नारद क्षेत्रे अस्मिन् श्री बद्रीश्वरस्य मंदिरे श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोर्सम्मुखे बौद्धावतारे षष्ट्यब्दानां मध्ये राक्षसनाम संवत्सरे सूर्यदक्षिणायने मासानां मासोत्तमे शौरचन्द्रेण महामाङ्गल्यप्रदे कार्तिके मासे अस्यां भृगुवासरूपेतायां मघानक्षत्रोपृक्षायां कार्तिककृष्णरमा एकादश्यां शुभपुण्यतिथौ। एक संयोग है, आज एकादशी है और रमा एकादशी भगवान के चरणों में, और एकादशी की उत्पत्ति बद्रीनाथ में ही हुई है। तुला राशि स्थिति सूर्य, सिंह राशि स्थिति चंद्रे, मिथुन राशि स्थिति भूमे, कन्या राशि स्थिति बुधे, मीन राशि स्थिति देव ग्रहु, तुला राशि स्थिति दैत्य ग्रहु, मकर राशि स्थिति शनौ, मेष राशि स्थिति राहु, तुला राशि स्थिति केतौ, एवं षद्गुण विशेषण विष्टायां शोपुण्यतो गोत्रः नाम्नः राशिः अहम् श्रुति स्मृति पुराणोक्त चतुर्वर्ग प्रभा प्रथम तथा च कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात स्पर्शा स्पर्श भुक्ता भुक्ता पीता पीता सकल पातक निरसनार्थम आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थम यत् सूचितम सूचिष्यमाणम यत् दुष्ट फलनुक्तम तन्निरसनार्थम विशेष श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दोर् प्रसादात् पितृणाम च निर्दिष्ट वैकुंठ लोकावाप्तये। पितरों का स्मरण और पितरों की मुक्ति के लिए भगवान का दर्शन यजन पूजन यहाँ शास्त्र बताते हैं। गच्छन्तं बद्रीं दृष्ट्वाश्रुं वंशं पितरोमणि क्रीडन्ति निलयं विष्णु वैकुंठो प्राप्नुयुं। मेरा कोई वंशज बद्रीनाथ जावे और भगवान को प्रणाम के बाद मुझे स्मरण करे तो हम मुक्त हो जावे, ऐसा शास्त्र में कहा है। अखिल भारत राष्ट्रस्य कल्याण कामनया, अखिल विश्वस्य कल्याण कामनया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति कामनया। भगवतः श्री बद्रीश्वरस्य राष्ट्रीय वैदिक मंत्र ही स्तवन कर्माहं कारयिष्ये। वैदिक राष्ट्रीय मंत्र अखिल विश्व हरि
तस्वीरें आप देख रहे हैं बद्रीनाथ से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ के द्वार पहुंचे हैं। इससे पहले केदारनाथ के दर्शन किए और अब बद्रीनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यहां पर भी जो है दर्शन कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। उत्तराखंड वासियों को लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है सौगात देते रहे हैं। उत्तराखंड के विकास को लेकर जो है काफी प्रयासरत हैं और काफी पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो जिस प्रकार से विकास कार्यों की योजना बनाई जा रही है तो आगामी समय में पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण जो है होने वाला है उत्तराखंड के लिए। ये सारी चीजें लगातार योजनाएं जो है शुरू कर रहे हैं नई नई, जो पर्यटन को बढ़ावा देंगी। और जिस प्रकार से 3400 करोड़ के प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री मोदी परियोजनाओं का शिलान्यास और रोडमैप तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड को लेकर, तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली ये सारी चीजें उत्तराखंड के विकास को लेकर। जो है हम प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, सीएम धामी की बात कर लें, लगातार जो है उत्तराखंड के विकास को लेकर तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और लगातार प्रयासरत भी हैं, जिससे वहां के लोगों को भी जो है काफी रोजगार में मदद मिलेगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें बद्रीनाथ से, आपको बताएं बद्री विशाल के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी दर्शन करते हुए और साथ में उनके सीएम धामी और राज्यपाल जो है वो भी इस वक्त मौजूद हैं। केदारनाथ में भी प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक भी किया और इसके बाद वहां पर रोपवे की आधारशिला रखी और अब बाबा बद्रीनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इस वक्त दर्शन वो कर रहे हैं, तो काफी जो है विकास यहां पर किया जा रहा है। चाहे हम अन्य जगहों की भी बात कर लें, उत्तराखंड राज्य को लेकर लगातार प्रयासरत है और परियोजनाएं योजनाएं वो जो रोजगार लोगों को उपलब्ध करा सके, वहां से लोगों का पलायन रुक सके, पहाड़ी क्षेत्र है तो काफी सारी योजनाएं इस पहाड़ी क्षेत्र को लेकर जो है बनाई जा रही हैं और लगातार वो योजनाएं धरातल पर धीरे धीरे दिखाई भी दे रही। जिस प्रकार से रोपवे की आधारशिला यहां पर रखी गई है तो कहीं ना कहीं पर्यटन के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। रोपवे के कारण जो है अब पर्यटन स्थल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड वैसे भी एक पर्यटन दार्शनिक स्थल है और जिसको लोग पहुंचते भी हैं दर्शन करने, लेकिन जिस प्रकार से काफी परेशानियां कई बार आती हैं लोगों को, लेकिन रोप वे जिस प्रकार से आधारशिला रखी गई तो कहीं ना कहीं अब और लोगों का आवाजाही वहां पर बढ़ेगी। पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये चीजें हैं और अब बद्रीनाथ में भी जो है कई सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं, यहां पर भी लोगों को सौगात मिलने वाली है प्रधानमंत्री के द्वारा। लगातार योजनाएं विकास कार्य यहां पर किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा भी और सीएम धामी के द्वारा भी। लगातार पूरे ही उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से विकास हो रहा है, लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ ये दो धाम ऐसे हैं जहां पर जो है पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान ये है, दार्शनिक स्थल, ऐतिहासिक जो है ये रहा है काफी। और अब हर बार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दौरा बार बार कर रहे हैं तो दौरा तो कर ही रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विकास के आयाम यहां पर गढ़े जा रहे हैं तो उत्तराखंड राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण ये योजनाएं हैं और लगातार धीरे धीरे पहले से भी कई ज्यादा विकास हमने देखा है। क्षेत्र का कितना विकास हुआ है पर्यटन को लेकर, पर्यटन क्योंकि लोग पहुंचते हैं वहां पर दर्शन पूजन के लिए, तो किस प्रकार से जो है
पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और तमाम तरह की योजनाएं इसको लेकर चलाई जा रही है। 3400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार इसके द्वारा किया जा रहा है। 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की जो है शुरुआत की जाएगी, तो धीरे धीरे शिलान्यास लोकार्पण कई सारे यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो आगामी आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि कितना विकास यहाँ पर होता है, किस प्रकार से, क्योंकि नित्य नए जो है विकास कार्य यहाँ पर क्षेत्र को, इस राज्य को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बद्री विशाल के दरबार से। इससे पहले केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदार के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया और उस दौरान भी जो है उनके साथ सीएम धामी और राज्यपाल मौजूद थे। और इस वक्त भी जब वो बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे हैं तो प्रशासनिक अमला भी उनके साथ है और सीएम धामी और राज्यपाल इस वक्त भी उनके साथ मौजूद है। दर्शन पूजन इस वक्त चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी, और इसके बाद जो है बद्रीनाथ को लेकर भी कई सारी सौगातों का पिटारा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोलने वाले हैं। 3400 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिस प्रकार से परियोजनाएं योजनाएं तैयार की गई हैं, तो वो धीरे धीरे आगामी समय में धरातल पर भी दिखाई देंगी। वो काफी महत्वपूर्ण है विकास के लिहाज से उत्तराखंड के, और पहले से हमने देखा है किस प्रकार से जो उत्तराखंड की बात की जाए तो काफी सारे विकास यहाँ पर किए गए। कई सारी योजनाएं जो है पहले भी तैयार की गई थी, एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया था और फिर धीरे धीरे जो है विकास हुआ और आगे भी लगातार अभी भी विकास की जो है रफ्तार धीमी नहीं हुई, लगातार जो है विकास कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। कई सारी तरह तरह की योजनाएं उत्तराखंड को लेकर चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं और परियोजनाओं को जो है पूरा रोड मैप पहले तैयार होता है किस प्रकार से धरातल पर, लेकिन बहुत ही कम समय में जो है काफी सारा विकास हमने देखा। और आगामी दिनों में भी पूरे ही उत्तराखंड का और खास तौर से केदारनाथ बद्रीनाथ जो की पर्यटन स्थल है, दार्शनिक स्थल है, तो ऐसे में इनका विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि श्रद्धालु हर वर्ष बहुत संख्या में पहुंचते हैं और इस बार भी हमने देखा कि कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। काफी